गुड इवनिंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। ट्रेड्स हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, गेल इंडिया लिमिटेड है। कैसे आए हैं Q3 के नतीजे, किस चीज में बढ़ोतरी हुई है, किस चीज में घटोतरी हुई है, उन सबके ऊपर जानेंगे। गुड बैड कहाँ पे क्या चीज की दिक्कत आई है इस बार, क्योंकि नंबर थोड़े से कहीं पे अच्छे हैं कहीं पे बुरे, तो उस सबको जानेंगे हम लोग पूरा विस्तार से एकदम संक्षेप पे। करंटली जो प्राइस है अभी 133.70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, और आप अपने डाउट भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो देखिए ट्रेड, सबसे पहले मैं डीजी स्पाइस के ऊपर आपको क्लियर एक कर देता हूँ। देखिए जब 15 रुपए पे था तब भी मैंने आपको बताया, 3 रुपए पे था तब भी बताया, जब 3 से 15 गया था, हाँ उसमें कमेंट में काफी लोग बहुत महान, उन्होंने काफी बढ़िया बढ़िया कमेंट किया था। बढ़िया का मतलब आप समझ गए होंगे कैसे कमेंट किया था कि 3 से 15 जा चुका है, अब नहीं भागेगा, जो कंपनी ऐसे भागती है वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा कोई होता नहीं है ट्रेड्स। उसके नंबर अच्छे थे और आपको अभी दिख रहा है वो शेयर का प्राइस कहाँ पहुंच चुका है। बट कल उसकी बोर्ड मीटिंग है और बोर्ड मीटिंग का देखिए हमको भी नहीं पता है, वो उन्हीं लोगों को पता है जो कल डिस्कस होने वाला है। तो कल की चीज पे आपको ध्यान रखना है। अब तक तो आपने अपर सर्किट बहुत देखा, देखिए 30 रुपए से 30 पे थोड़ा रुकाव था, मैंने आपको वहां पे भी एक्सप्लेन किया था। मेरे को पता है आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग देखे होंगे जो डीजी स्पाइस को फॉलो करते हैं। बाकी देखिए अभी जो शेयर पहुंच चुका है 57 रुपीज पे, अभी उस कमेंट में हर कमेंट में मेरे को यही कमेंट आ रहा है कि सर अब बाई कर सकते हैं, अब डीजी स्पाइस को बाई कर सकते हैं। तो देखिए पहले जो रिस्क था वो ज्यादा फेवरेबल था आपके प्रॉफिट के लिए, बट अब जो रिस्क दिख रहा है ट्रेड्स वो बहुत हाई दिख रहा है। बट स्टिल मैं उसका एनालिसिस करके जल्दी ही पोस्ट करूंगा, मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। आपके लिए पता ही है इतने सारे अर्निंग के रिजल्ट आते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, आप अभी वीडियो को लाइक करिए। देखिए जो करंटली ट्रेड कर रहा है गेल पे हम बात करते हैं, 133.60 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 2% की अपर ग्रोथ दिखा है। अपकमिंग के नंबर आ चुके हैं, ईपीएस जो 18.90 है, मार्केट कैपिटल बहुत शानदार है, डिविडेंड 8% भी बहुत शानदार प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो मेंशन है वो 1.9% है, बट आपको पता है जितना मिलता है वो हमेशा अच्छा रहता है। यहाँ पे तो क्वार्टर एनुअली वाइज मेंशन है, अभी मैं आपको क्वार्टरली वाइज भी दिखा, इंटरमेंट डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है वो भी दिखा देता हूँ। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है 6.95 है, तो वो भी ठीक है, कोई ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। फाइनेंशियल पे आगे बात करें तो वैल्यूएशन पे नजर डालें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है 3,46,000 लोग होल्ड करके चल रहे हैं, एक बहुत अच्छी संख्या में। ये भी एक अच्छी चीज आती है, कंपनी काफी लोगों को इंप्लॉयज भी है, बहुत ज्यादा लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, तो वो भी एक चीज है। 18,788 लोग इस यहाँ पे इम्प्लॉयज मेंशन है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मेरा मतलब था आपको एम्प्लॉयज हैं कंपनी में। आगे बात करें और मैं आपको बताऊं तो जैसे प्राइस हिस्ट्री पे नजर डालिए, एवरेज वैल्यू जो 10 डेज का बन रहा है वो 20 बिलियन का बन रहा है, तो बहुत ही शानदार, बहुत एक्टिव रहता है शेयर, तो ये बहुत अच्छी चीज आती है। 52 वीक हाई जो है 146.20 रुपए, 52 वीक लो जो है 65 रुपीज है। बैलेंस शीट पे नजर डालें, हाँ यहाँ पे बैलेंस शीट के बहुत सारे डाटा प्रेजेंट नहीं है, इसी के चक्कर काफी लोग कहते हैं कि सर आप बैलेंस शीट पे अच्छे से नहीं समझा रहे। देखिए ये लास्ट वाली हो गई है तो इसका डाटा जान के कोई फायदा होने वाला नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि काफी लोग होते हैं उनको सुनने की जरूरत होती है। तो टोटल डेप्ट एमआरक्यू जो है 60 बिलियन का था, मतलब डेप्ट था, टोटल एसिड जो है 757 था, तो एसिड बहुत बड़ी मात्रा में है, तो डेप्ट फिर भी है, फिर डेप्ट के नंबर है बट डेप्ट बहुत कम है, डेप्ट रिड्यूस भी हुआ है, अभी हम प्रो कॉन्स में भी जानेंगे। गेल इंडिया लिमिटेड जो है मार्केट कैपिटल बहुत शानदार है, इंडियन रुपीज में आप देख सकते हैं 59,000 से भी ऊपर है, बहुत बड़ी बात है। बुक वैल्यू जो शेयर की 113 रुपए, तो बुक वैल्यू से ज्यादा ऊपर नहीं है, तो एक बहुत अच्छी चीज आ जाती है। बुक वैल्यू से कितना ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, देखिए 131 रुपए के आसपास है, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस स्टॉक का पीई मैंने आपको बताई दिया, बुक वैल्यू हो गई, देखिए यहाँ पे डिविडेंड इंटरमीडिएट डिविडेंड भी मेंशन है, 4.88% प्रोवाइड किया था कंपनी, बहुत शानदार। उसके बाद मैं आपको बताऊं कंपनी क्यों इतनी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि इसका आरओसी और आरओई जो लास्ट ईयर का रहा है वो बहुत शानदार रहा है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे दिए हैं, हमेशा कंपनी अच्छे नंबर लाती रही है। तो 20%, 19% बहुत शानदार। फेस वैल्यू जो है 10 है, तो 10 टाइम स्प्लिट हो सकता है। ऑल टाइम हाई गया है जो शेयर वो 200 रुपए। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 52.1%, बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन एसेट जो है 16.3%, बहुत शानदार। प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी है, सेल ग्रोथ घटी है, क्यों घटी है अभी उसको जानेंगे। Q1 ग्रुप प्रॉफिट जो है 69.9% बढ़ा है, बहुत शानदार बात है। प्रो कॉन्स पे जान ले तो कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, स्टॉक का प्राइस ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा, अच्छी बात। प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड 4.88% का, वो भी बहुत अच्छी बात। कंपनी काफी लंबे टाइम से अपना जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसको मेंटेन करके रखी है, लास्ट 5 ईयर का 24.36% है, तो CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर बहुत अच्छा। फिर कंपनी काफी अच्छा हेल्थी डिविडेंड पे आउट रखती है 32.65% का, वो भी बहुत अच्छा।
कॉन्स में क्या आ जाता है, सेल ग्रोथ पहले 5 साल से घटी है, इस बार टैक्स इसको कम लगा है, तो वो भी ठीक बात है, बट टैक्स कम लगा है तो वो कॉन्स में गिना गया है। अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम जो होती है वो 4,017 करोड़ की है, तो वो भी एक है। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे बात कर लें, क्वार्टरली रिजल्ट पे आता है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है सितंबर क्वार्टर से वो बहुत बढ़िया है, देखिए 2,245 करोड़ का इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सितंबर में था 1,423 का, दिसंबर 2019 में था 2,171 करोड़ का। बट आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ, आप सेल के नंबर सेल्स पे नजर डालिए दिसंबर 2019 के और दिसंबर 2019 के, आपको दिखेगा कि बिक्री जो हुई थी दिसंबर 2019 में वो ज्यादा हुई थी अपने इस वाले मंथ दिसंबर 2020 वाले डाटा से, बट जो एक्सपेंसेस थे ट्रेडर्स वो वहां पे बढ़े थे, वहां पे एक्सपेंसेस जो है 15,711 करोड़ का एक्सपेंसेस था, तो जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपको कम दिखाई दे रहा है, बट स्टिल जो पिछली बार से इस बार का है थोड़ा बहुत ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज दिखाई देगा, बट स्टिल इस बार के नंबर बेहतर है सितंबर वाले से भी दिसंबर वाले से भी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा आपको, क्योंकि अचानक से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बहुत बड़ा दिखाई देगा आपको दिसंबर में, सितंबर वाले की तो सारी वैल्यू कम है आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, दिसंबर वाले को थोड़ा समझना होता है। तो ऑपरेटिंग अदर इनकम जो हुई थी दिसंबर 2019 में वो ज्यादा हुई थी इस बार के मुकाबले, इसीलिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो वहां पे बड़ा दिखाई दे रहा है, इस बार का 2,346 करोड़ का था, उस बार का दिसंबर 2019 का 2,816 करोड़ का था, तो अच्छा था। बट आगे और बात करें, उस टाइम पे क्या हुआ था कि टैक्स कंपनी को कह लीजिए एक तरीके से थोड़ा ज्यादा देना पड़ा था, फिर भी इतना ज्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था कि उसके नंबर नेट प्रॉफिट में भी अच्छे थे, इस बार टैक्स बहुत कम भरना पड़ा है, 19% का टैक्स लगा है, फिर भी पिछले लास्ट ईयर दिसंबर 2019 का जो नंबर है 2,025 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस बार का जो आया है 1,884 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, स्टिल अच्छा नंबर है। अदर इनकम इस बार कम हुई है, वरना वापस से कंपनी टक्कर देती, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिख ही रहा होगा सितंबर वाले नंबर से बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो मेरे तरफ से कहा जाएगा कि ये जो रिकवरी वाले टाइम पीरियड में भी इतने अच्छे कंपनी नंबर ला रही है वो बहुत शानदार बात है, तो ओवरऑल बोला जाए तो एक्सीलेंट नंबर है। ब्रीफ में आप इसको पढ़ सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसको, ये टिप्पणी के रूप में है यहाँ पे, ये एक न्यूज़ रिपोर्ट की तरफ से डाटा है, तो वहाँ पे इतना ही मेंशन करके रखते हैं जल्दी के चक्कर में, बट मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चार्ट पे व्यू कर लें ट्रेडर्स, तो जो सपोर्ट बन रहा है 124 रुपये, आपका लॉन्ग टाइम पे व्यू है तो आप वेट करिए, 124 रुपये पे एंट्री अभी परफेक्टली दिख रही है मिलने के लिए। आप ट्रेड के पर्पज से हैं तो आप 127 रुपये 70 पैसे के आसपास से भी एंट्री ले सकते हैं, या आप करंट प्राइस से एंट्री लेंगे तो आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 140 रुपये 35 पैसे पे है, तो मतलब रेजिस्टेंस हो गया कि इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक आगे बढ़ने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं, तो ये चीज भी आपको नोटिस करना है। अगला जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 145 रुपये 30 पैसे के आसपास बन रहा है, तो स्टिल गाइस अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत शानदार शेयर है, ओवरऑल बहुत वेल मेंटेन भी है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पर आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस शेयर के बारे में।